दोस्तों, ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है 5 सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िले, जहाँ पर कि ग्रामीण प्रतिशत न्यूनतम है, मतलब गांव वहाँ पे सबसे कम है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ है। तो पहले नंबर पे है पटना, 43.1% पटना ज़िले का जो है वो नगरीकरण हो गया है। और पटना ज़िला का 43.1% नगरीकरण ही बहुत बड़ा होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप ये देखिए कि पटना ज़िला बहुत बड़ा है, आरा से शुरू होकर के ये लखीसराय पे एंड करता है। उसके बाद है मुंगेर ज़िला, जो कि अंग क्षेत्र से है, 27.8%। फिर है भागलपुर, 19.8%। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि मुंगेर का जो अर्बनाइजेशन है वो भागलपुर से अधिक। उसके बाद फिर है बेगूसराय, 19.2%। फिर है शेखपुरा, 17.1%। तो अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो है, दोस्तों मैं वही बात करने के लिए जा रहा हूँ कि यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 ज़िले हैं मगध से और 3 ज़िले हैं अंग से। टॉप 5 में पूरे बिहार में एक भी ज़िला मिथिला या भोजपुर का नहीं है, जबकि कुछ लोग बड़ा इतराते फिरते हैं कि मिथिला के पास ये है, मिथिला के पास वो है। देखिए, सिर्फ एयरपोर्ट और एम्स बन जाने से ऐसा मानना कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है उस ज़िले में, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरे ओवरऑल सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे एक कॉमन आदमी बड़े आसानी तरीके से रह सकता है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है वो मायने रखती है। ये ना कि एयरपोर्ट बन जाए और बाकी बस और टेम्पो की भी अच्छी सुविधा ना हो, तो इसलिए ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि भोजपुर क्षेत्र हर चीज़ में, भोजपुर बिहार का जो भोजपुर क्षेत्र है वो हर चीज़ में, एक लिटरेसी रेट को अगर आप एक्सेप्शन में रखते हैं, हर चीज़ में सबसे पीछे है। जबकि होना क्या चाहिए कि जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा लिटरेट है उस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए क्योंकि सरकार जो लिटरेट किसी क्षेत्र को मानती है तो वो सिर्फ डिग्री देखती है कि किसके पास कितनी डिग्रियां हैं, और डिग्री लेने के मामले में भोजपुर क्षेत्र सबसे आगे है, ये सबको पता है। तो मैं वही बात करने के लिए जा रहा हूँ कि आखिर मिथिला और भोजपुर में क्या कमी रह गई कि इन लोगों के एक भी ज़िले टॉप 5 में नहीं है, और अंग और मगध के जो ज़िले हैं वो टॉप 5 में अपनी जगह बना रहे हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो विकासशील मानसिकता होती है, मतलब कि एक होता है कि हर चीज़ को पीछे छोड़कर सिर्फ विकास की बात करना, न कि मैं मिथिलावादी हूँ तो मैं ब्राह्मणवादी हूँ तो मैं राजपूत हूँ तो मैं भूमिहार हूँ, इस तरीके से जातिवाद या फिर मिथिलावाद या भोजपुरवाद का जो एक्सेप्शन, जो सोच है वो बहुत ख़राब है। कुछ लोगों, मैंने ये देखा भी है कि भोजपुर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जातिवाद, और आजकल खासकर जो नए जनरेशन आ रहे हैं उनमें रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि बहुत ख़राब भी है। इसीलिए यह क्षेत्र बहुत पीछे है, मिथिला और भोजपुर के क्षेत्रों को काफ़ी आगे आने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर यह क्षेत्र आगे नहीं आता है तो इससे बिहार का ओवरऑल विकास नहीं हो पाएगा। मिथिला और भोजपुर क्षेत्र ही पूरे बिहार में सबसे बैकवर्ड रीजन माना जाता है। अंग रीजन हमेशा से ही डेवलप रहा था, लेकिन अब नहीं रहा क्योंकि पॉलिटिकल चेंजेस हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारण, लेकिन ये भी टेम्प्रोरी है, ये परमानेंट नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही आप लोगों से बात करने के लिए जा रहा था कि टॉप 5 ज़िलों में
मिथिला और भोजपुर के एक भी शहर नहीं है। हो सकता है टॉप 10 में मिथिला या भोजपुर के एक दो ज़िले ऐड हो जाएं, लेकिन टॉप 5 में तो एक भी नहीं है। तो इसका कारण मैंने बताया, मिथिला और भोजपुर के लोगों को जातिवाद और मिथिलावाद या भोजपुरवाद को छोड़कर विकास की ओर देखना चाहिए, और जो गंदी सोच है, जो नीच मानसिकता है, इसे जल्द से जल्द दूर करके भोजपुरी भाषा पर जो अश्लील भाषा का टैग लगा हुआ है, इसे दूर करके मिथिला को लेबर सप्लायर क्षेत्र से हटा करके एक प्रोड्यूसर या प्रोडक्टिव रीजन बनाने की ओर काम करना चाहिए। नहीं तो अभी तक तो ये दोनों क्षेत्र बिहार पर बोझ ही हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और यह वीडियो किसी को टारगेट, किसी क्षेत्र या किसी भाषा को टारगेट करने के लिए नहीं बनाई गई है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो महामूर्ख और बैल बुद्धि है। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।